कार्यक्रम के आठवें एपिसोड में अपने सभी बहुत बहुत स्वागत है। और आज चक्रव्यूह कार्यक्रम में हम सब चर्चा परिचर्चा करब नेपाल के जीवन रेखा नेपाल के लाइफ लाइन चूरे जंगल। चूरे जंगल के संरक्षण कोना करे के चाहिए, चूरे जंगल के संरक्षण के लेल राष्ट्रपति तराई मध्य चूरे संरक्षण समिति गठन कल गए, उनकर काम कर्तव्य समिति के केहन है। चूरे जंगल विनाश कोना हो और चूरे जंगल जो विनाश भ रहा है तैसे नेपाल के अर्थतंत्र और नेपाल के मानव पर केहन एक प्रभाव पड़ते, अही विषय में हम सब केंद्रित भकर आजुक चक्रव्यूह कार्यक्रम में बातचीत करब और अपने सब अही विषय पर केंद्रित भकर अपन अपन विचार अभिव्यक्ति राखि देल जेतै। चूड़े के बारे में चर्चा जो होइछे जेना ही बुझाइ छै जे आब चूड़े के संरक्षण नहीं भ सकैए, चूड़े के जे दुर्दशा है, चूड़े भीतर जे प्रवेश करब जे कटान की गाछ के जे दृश्य देखबै और जे रूप से ओहिठाम गिट्टी बालू सब उठि रहल है, जे रूप से ओहिठाम बड़का बड़का घर सब बनि रहल है चूड़े क्षेत्र में, ते रूप से बुझाइ छै जे चूड़िया संरक्षण नहीं भ सकैए। कि हम सब छोड़ दी चूड़े के संरक्षण नहीं करी, हम अपने सबके याद दिलाब चाहे छी जे जखन वर्षा जे होइ छै त सब चिड़े के ओत चाहिए, सब चिड़े जे है से ओरियानी में जाकर जे घरिया चिड़े होइ छै कोनो कोनो तो घर के ओरियानी में जाकर ओत खोजे छै, कैला एक ओकर पाइक से भीज जेतै तो नहीं उड़ सकैए। और जे जंगलियो चिड़े होइ छै ओ गाछ के पात के नीचा या ठाइर के नीचा नुकाइत रहे थे कि हमारा वर्षा से पाइक नहीं भीज जाए, कारण वर्षा से पाइक जब भीजते तो उड़ नहीं सकते, समस्या भरे थे। ते दुआरे देखे तो हुए जखन वर्षा हो चिड़ै अपने के जैसे ओत रहे थी खोजे, लेकिन चील अपने के ओत नहीं खोजे थे, चील के वर्षा से कोई डर नहीं, चील के वर्षा से दुआरे डर नहीं लगे थे जे चील बागल से ऊपर उड़ी। तो हमारा बुझा है जो चूड़े के जो अवस्था है विनाश के और चूड़े के जो संरक्षण के बात है, बस चील जका हमरा सबके जना वो बादल से ऊपर उड़े थे तेना ही के नेपाल सरकार के और सरकार वाला निकाय के और चूड़े में रह रहा चूड़े बासी के चूड़े भावर बासी के वही रूप से चील जका सोच पड़ते। चूड़े जंगल के संरक्षण यदि सामान्य हिसाब से हम सब सोचबे तो कदापि नहीं भ सकते, गंभीरता पूर्वक सोच पड़ा, चूड़े हमर सबके प्राण है, चूड़े में लटकल चूड़े जो विनाश भ जाए और जे रूप से विनाश के ओकर जे है अपने के रफ्तार बढ़ रहा है तीव्र गति से, हजारों बीघा उपजाऊ जमीन बंजर भ गई, रेगिस्तान भ जाए ई क्षेत्र, ते दुआरे चूड़े के संरक्षण के लिए सब गोटे के गंभीरता पूर्वक सोची पड़ चाहे चूड़े पर रह रहा थी से या चूड़े के नीचा रह रहा थी से, डाउन स्ट्रीम के बात करी या हम सब जो है अप स्ट्रीम के बात करी, दोनों के बासी के जो है गंभीरता पूर्वक सोच पड़त, चूड़े का संरक्षण नहीं होते नेपाल सरकार के क्या प्रेशर से बना पड़त, नेपाल सरकार पर हम तो प्रेशर नहीं करबे तो सरकार की होती अपने के सजीव नहीं होती, सरकार अपने के निर्जीव रहे, जब तक अहाँ प्रेशर नहीं देवे बच्चा जो माय के जो नहीं कहने की अहाँ के तो माय बच्चा के दूध नहीं पियबे छी, जे अखन परिवेश है माय के बारे में कहल गेल है जे अगर घर में चाय के रोटी बनल है और पांच परिवार के व्यक्ति हुए और जे कहे हमरा भूख नहीं लागल है वो माय है, जब मैं बच्चा नहीं करने की तो दूध नहीं पिया हुई थी, तो सरकार अहाँ बिना आवाज उठेने सरकार अहाँ के चूड़े के संरक्षण कर दे और अहाँ के जैसे अधिकार दे दे चूड़े के संरक्षण के लिए कदापि नहीं सोचो, कतौ के सरकार नहीं दे दुनिया के कतौ के सरकार अहाँ के नहीं दे, ताहि दुआरे सजग सब गोटे के रह पड़त। जंगल कतेक महत्व है जीव और जीवन, मैंने जीवन के अगर हम सब अलग अलग करी तो जीव और वन भ जाए, मैंने वन में गाछ वृक्ष में प्राणी के प्राण लटकल रहे, वो गाछ वृक्ष के कोना बचाबाक चाहिए, हमरा सबके वृक्षारोपण कोना करे के चाहिए, जमीन के संरक्षण जो धरती माता कहे उजाड़ भ गेल छै कटान के कारण से, और सबसे विवेकशील प्राणी जो कहे मनुष्य वह मनुष्य अपने के प्रकृति के अनमोल उपहार जो है जल जमीन जंगल पहाड़ एक हम सब विनाश करे, हम सब कोना संरक्षण करब तक अभी विषय पर देखिए अपने सब सुंदर सन गीत। Thank you.
वृक्ष लगाएं भाई हम सब वृक्ष बचाएंगे, धरती माँ के पटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे। आओ वृक्ष लगाएं भाई हम सब वृक्ष बचाएंगे, धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे। चलो जगाए आज यही व्रत हम सब ले, हरा भरा छोटा सा कानन हर गांवों को हम सब दे, सुरक्षित बन गांवों का हर लोगों को समझाएंगे, धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे। आओ वृक्ष लगाएं भाई हम सब वृक्ष बचाएंगे, धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे। आओ वृक्ष लगाएं भाई हम सब वृक्ष बचाएंगे, धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत कर जी कार्यक्रम चक्रव्यूह में। अपने सब पुनः हम प्रश्न अपने से करना चाहे थी, अही पर केंद्रित भग अपने सब उत्तर देवे के प्रयास करब। चूड़े के संरक्षण कोना करे के चाहिए, चूड़े के विनाश कोना भ रहा है, जो चूड़े संरक्षण नहीं हेतु तो की भ सकेंगे, चूड़े के संरक्षण के लिए राज्य कतर चुके थे घर बना रहे तो हम सब जैसे केना वही बासी के केना जगे खाली राज्य का जे ठाड़ पर अपने के जैसे बैठल रहे थे वही ठाड़ कटित रहे थे वो गिरते तो वो मर गए जे चूड़े मेरे रहे थे। तो हमरा सबके ओहू पर केंद्रित भग जैसे बड़ा सटीक हिसाब से अपने सब इस पर केंद्रित भग बाजे के प्रयास कल जैसे बस ऐसा ही। चूड़े संरक्षण करे के लिए सरकार के जैसे मतलब ऊपर से जो नीति बनते से अनुरूप से चूड़े संरक्षण भइए नहीं सकते, मतलब जब तक बॉटम टू टॉप जो चूड़े संरक्षण के नीति नहीं बनते तो टॉप टू बॉटम बन के कदापि चूड़े संरक्षण भइए नहीं सकते। जो विगत के दिन में देखल गेलिए ताहि लेके अठाम के पॉलिसी चूड़े संरक्षण के लिए अठाम के जनता के बनावे पड़ते आ ओ पॉलिसी निर्माण करे के लिए सरकार वाला संबंधित निकाय से जे छै ओहि जनता के बीच में पैसा पड़ते, जनता के सचेतना पर करे पड़ते, जनता बुझी छै बुझाला के बाद कहीं न कहीं जनता मात्र दोषी नहीं छै, संबंधित निकाय दोषी छै, जे जनता के जागरूकता नहीं करावा सकलिए तेकर प्रतिफल छै जे दिनानुदिन जे छै चूड़े विनाश भ रहल छै। अगर इहे क्रम जारी रहलै तो केहनो भी नीति ऊपर लेवल से बनते तो नीचा विनाश होते रहते आ एकर प्रतिफल डाउन लेवल के लोग के मात्र नहीं अप लेवल के आ हमरा तो बुझाइए जे विश्व के हरेक समुदाय के अय के दुर्दशा भोग पड़ते। चूड़े संरक्षण अपने के राजनीतिकरण के शिकार भ गेले है ना, और तै के समाधान के उपाय अपने कहलिए एकर तीन चरण में होक चाहिए अपने के अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन। अब अल्पकाल में अपने के जे सरकार के पॉलिसी है वो भी सुधार करे पड़ते देखल जा रहा है, आ दोसर चीज की छे अपने के मध्यकालीन जना सभी कहलखी न जे किसी से आवक चाहिए सरकार के पॉलिसी वो किसी के नहीं है तो उसमें सुधार करे पड़ते। आ तेसर का तेसर बात दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म प्लान बनावे पड़ते अपने जखन सरकार के पास नहीं,
तो यह एक किस्म समाधान कला तो एक बार की कही थी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन कुमार झा जिला भू संरक्षण अधिकृत धनुषा अखन जे छै एक राष्ट्रीय स्तर में एकरा सबके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा भ गेल जे वास्तव में चूड़े जे छै से एक प्रश्न चिन्ह है। एकर यदि संरक्षण समय में नहीं हैत तो हमर सबके भविष्य तक के जे संतति के आबे वाला संतति है ओकरो सबके एक लाइफ लाइन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा भ ई बात अब राष्ट्रीय स्तर में सेहो बुझ में सबके आबि गेलन तो तै लक जे छै लेकिन एतय के जनता सब सेहो सजग हुअ पर मात्र राष्ट्रीय स्तर में बुझला से नहीं भेलै। हम सब कार्यक्रम लक जाय छी कार्यक्रम अपन लक्ष्य अनुसार मात्र होइए लेकिन जनता अखनो तक वास्तविकता ई कार्यक्रम हमरा लेल एकर संरक्षण सब चीज अनुगमन हमरा सबके करक चाही एहि लेल हुनका सबके विशेष संलग्न कराबक आवश्यकता हम देख रहल छी। संरक्षण के अभी चुनौती सबसे ज्यादा की छै कि जे चूरे के जे प्रयोग भ रहल छै से प्रॉपर लैंडलाइजेशन यानी कि नहि छै ओहिमे अनावश्यक हिसाब से जहाँ कथी कहै छै एकदम संवेदनशील जगह छै वहाँ खेती फाती शुरू भ रहल छै बसाई चराई के प्रॉब्लम ओतने छै। तेसर बात की छै कि राष्ट्रीय स्तर में एगो अंतर मंत्रालय समन्वय नहि छै कोई मंत्रालय वही जगह पर विकास के काम लेके जाए छै हमरा सबके वन मंत्रालय के की कहै छै वहाँ अतिक्रमण हटाने के तो ये हम देखलिए मंत्रालय स्तर में भी वन मंत्रालय विकास विरोधी मंत्रालय के संज्ञा दै छै जिला स्तर में भी हम सब देखै छियै कि जे हमरा सबके जे वो अतिक्रमण रणनीति छै ओहू में कहले छै कि जे कथी कहै छै अतिक्रमण क्षेत्र छै ओहिमे कथी कहै छै विकास काम नहि ले जाय के चाही कोनो संस्था या सरकारी होय चाहे गैर सरकारी लेकिन ओहिमे हमसब कारण तरफ नहि अथि जा पा रहल छी। ताहिके लेल तेसर बात हम देखबै छूरे के जे एगो प्रतिनिधि संरक्षण के लेल सबसे पहले कोई भी जे काजो भ रहल छै तऽ छूरे के सिरा में यानी कि ऊपर से शुरू करे पड़तै कि छूरे के माटी कोनो भी हिसाब से कथी कहै छै कि से नीचा दहा के नहि आए। तेसर अहाँके बात एगो ई कहब कि जे छूरे क्षेत्र में जे काम सब लंच करै छी एकीकृत हिसाब से होय के चाही। सहायक वन अधिकृत धनसा धाम बसोबास बाहर से आदमी आयल तऽ शुरू में जे बसोबास करै छै दोसर नंबर में चरी चरण एकर बाद में आग लागी आ अनियमित तरीका से कटानी ई चारि पाँच टा चीज के जावत हम अहाँ व्यवस्थित नहि कर सकबै ताबत चूरे संरक्षण के बाद संभव नहि छै जेना हमरा बुझाइए। आ एहि के लेल नीतिगत निर्णय से लऽ कऽ आ जनता के चेतना स्तर तक सब चीज मे सुधार होइत जा पड़तै आ हम सब फील्ड में काम करय के क्रम में देखै छियै। वन आइन में एक दिस कहै छै कि वन के जगह जे अनियमित रूप से खनजोत करतै तकरा 6 महीना कैद आ 20,000 रुपया जरिमाना के व्यवस्था कयनी। दोसर दिस सरकार की करै छै अव्यवस्थित बसोबास कहि कऽ लाल पुर्जा दैत व्यवस्थित गढ़ नहि कहि कऽ लाल पुर्जा वितरण कऽ दै छै जकरा पकड़ि कऽ जेल में राखऽ के उहे सरकार ऐन बनेने छै। उहे सरकार की करै छै जे अनियमित रूप से ओहिठमन रहि रहल छै तकरा लाल पुर्जा वितरण कऽ दै छै। जाबत तक ई लाल पुर्जा वितरण वाला सिस्टम रहतै ताबत तक हमरा बुझाइए अतिक्रमण वाला सिस्टम सेहो अंत नहि हेतै। जीवन केन्द्र के अध्यक्ष के रूप में अखन काम कर रहा छी। सबसे पहिने चूड़िया जे विनाश भ रहल छै चूड़िया विनाश के कारण राज्य सरकार के आज नहि चूड़िया विनाश भ रहल छै आ एकर समाधान के उपाय सब जे कहबै तऽ सबसे पहिने हम कहब कि एकर समाधान के उपाय के लागि अखुनता जे विभिन्न किस्म के समस्या सब देखाइ छै ओहि समस्या ने की देखै छै एक टा हम जलायद नदी के उदाहरण लेबऽ चाहब तऽ जलायद नदी में प्रत्येक साल जलायद नदी में पानी आबे से बेसी बालू अबै छै जे 1.5 से 2 फीट अहाँ के भरे छै ओहि से की होइ छै तऽ उर्वरा भूमि जे मधेश के छै तराई के छै ओ अहाँ के मरुभूमि के अवस्था में होइत जा रहल छै आ बिघो बिघा कटानी के अवस्था में जा रहल छै जैसे कि 5 बीघा के मालिक रहल आदमी एक बरस में अहाँ के सुकुम्बासी होइ पर बाध्य भ जाइ छै
वही अवस्था अखुनता ये अवस्था छे तो अइ के समाधान के लागि हम की कह रहल छे ऊपर के जे जनता छे आ नीचा के जे जनता छे ओइ दुनू जनता के समान बुझाई हो पड़ले। चूर्य विनाश सब ऊपर के जनता के पानी यहाँ के सुखा देते पिए के लागि पानी नहीं रहते नीचा के जनता सुकुम्बासी भ जते ते दुआरे दुनू के जनता के समान बुझाए चूर्य संरक्षण के कर के लागि होबक चाहिए आ चूर्य संरक्षण केकरा लागि छे तो हम सब बुझै छी चूर्य संरक्षण हमरा सब के अपने लागि है ते दुआरे चूर्य के संरक्षण हमरा सब के संपूर्ण जनता के अपने करबाक चाहिए। हम सोम प्रसाद शर्मा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिला महासंघ धनुषा के अध्यक्ष। चूर्य संरक्षण के लेल अभी जे चूर्य में जनता के जे बसोबास के बात है जनता के सहभागिता के बात है और जनता के बहिष्करण के बात है हम ये देख रहे थे। अभी जनता के संपूर्ण जनता सब जे जनता के इकट्ठा कर जनता के सहभागिता में नीतिगत निर्णय कर नीति निर्माण कर चूर्य संरक्षण हो सके है वो हमारा विश्वास लाग रहा है। और दोसर बात जे अभी मानव रहित कि मानव सहित के चूर्य संरक्षण करो यही संदर्भ में जो मानव रहित के चूर्य संरक्षण हम के परिकल्पना नहीं कर रहा थी अखिल मानव सहित के चूर्य संरक्षण के कर के लेल राज्य के हिसाब से जनता के बीच में बैठकर छलफल करे के थे। हमार नाम मालती कुमारी ठाकुर महिला अधिकार मंच धनसा के अध्यक्ष और जीवन केंद्र के कोषाध्यक्ष। अकत्र जीवन केंद्र बहुत आधारित अपने सबके समक्ष में काम करे चलिए और हमरा बुझाई नहीं भर रहा है कि जते सुकुम्बासी व चूरे में जे बास बसल थे तो हमर जनता गरीब थे खाना नहीं करते तो वो बच्चा के कहाँ से खाना खिएते तै के लोग सरकार के दायित्व बने थे कि जे वही तरह के आदमी थे तेकरा लेल गैस चूल्हा के गोबर गैस के प्लांट के सरकार के व्यवस्था करते तो खरानी कम होते। दूसर बात है कि महिला पुरुष प्रत्येक के ऊपर सूर्य से लेके नीचा दस गजा तक आम समान बुझाई हो पड़े जब तक लो जनता समान बुझाई नहीं करते तब तक लो सूर्य के संरक्षण नहीं कर सकते। सूर्य की है सूर्य जनावर है सूर्य पहाड़ है सूर्य माटी की है सबसे पहले जनता के सूर्य के महत्व बुझाए पड़े। सूर्य नहीं रहते तो पहाड़ नहीं रहते हिमालय नहीं रहते हमर देश नहीं रहते सूर्य हमर जिंदगी है ई जब तक जनता नहीं बुझते तब तक चूरे के संरक्षण में सहयोग नहीं पहुंचे। सबसे पहले जनता के बुझा पड़े चूरे की है चूरे बिना से की समस्या हो सके हमारे नेपाले रहते कि नहीं रहते सबसे बड़का बात है आज के रोड करोड़पति काल रोडपति हो जाइए एक नंबर। दोसर चूरे में अहाँ के वन विनाश कम्प्लीटली रोके पड़ते मानव चल खेल मानव क्रियाकलाप बहुत कम करे पड़ते जेना अहाँ हम सब देखे कि चूरे में वृक्षारोपण लाखों लाख करोड़ों करोड़ हो लेकिन संरक्षण के समस्या है लेकिन उकरा से पहले सबसे पहले जे वन है वो में उकरा सबसे पहले एक वन के संरक्षण करे हो पड़े। दोसर बात जतेक हम सब वृक्षारोपण करे वन के ओकर स्थानीय चूरे में वास्तव में वो माटी में कौन निर्वाह सक्सेस होते ओकर वास्तविक ओकर स्थानीय इंडेमिक प्लांट कौन है उसमें हरो है भरो है के बाद हमारा कौन कौन जड़ी मतलब बिरुआ सब जो चूरे में नेचुरल होइए वो जड़ी वो बिरुआ सब अगर वन में हम सब लगेबे वो चूरे में लगेबे तब जाके वो बिरुआ संरक्षण होते। सबसे दूसर का एक महत्वपूर्ण बात कथी कही थी कि हम सब हरेक साल बहुत लाखों लाख बिरुआ में वृक्षारोपण करे थी लेकिन लास्ट में ओकर नतीजा जो आउटकम देखे थी तब ओकरा देखे थी कि 1%, 2%, 5%, 10% ये बहुत बड़ा चुनौती है एकर दोषी क्यों नहीं है एकर दोषी एक नीति है एकरा जब तक हम सब चेंज नहीं करबे बरू 5,000 मतलब वृक्षारोपण करी लेकिन 5,000 में कम से कम 50-60% ओकरा जेना भी जोगयो चूरिया के साइज में ग्राम जो बैस रहल छे दिन प्रतिदिन वो राजा महेंद्र के पाला से राजा महेंद्र तो जे अपने के पहाड़ी सब के लाग के बसव लगली पहाड़ी आब नहीं लगले विदेश के सहयोग में जे है से अपने के जे मच्छर के डर से निकली ओलो उन्मूलन के देखा के ओठाम बिसा 36 साल वाला जन्मक संग्रह में राजा वीरेंद्र सौ ओठाम ग्राम बिसल के कारण थी रामेश बाबू कि शासक प्रत्येक निकाय में अधिकृत जे थे पहाड़ी हुनकर काम होते हुनकर लाल पुर्जा तैयार होते
चूरे संरक्षण के जो है सबसे अहा के मेन अंधुटा चीज पर मात्रे क्वेश्चन कर नेपाल सरकार एक दोषी है। अगर चूरे का संरक्षण नहीं होते तो नेपाल के जो कृषि प्रधान देश है से नहीं रह सकती खेती मरुभूमि में प्रमाणित बात होते अगर दोषी सरकार है। दोसर अहा के चूरे संरक्षण अहा के नेपाल सरकार के जो है कानूनी गत में जो है संबंधित निकाय से कानूनी रूप में एगो चूरे संरक्षण हो लिखा दें कल के दिन में ये चूरे जो अगर वही संबंधित निकाय से लिखा जाते तो जना वन उपभोक्ता भेले नेपाल सरकार के जो संस्था भेले पूर्ण रूप से जानकारी होते तो की होते चूरे के कटानी नहीं होते अहा के गिट्टी बालू के जो सब जो है से सब नहीं होते आ पूरे संरक्षण अगर जो नेपाल सरकार के संविधान अनुकूल में भ जाते तो कल पर असर नहीं करते कृषि प्रधान देश रहते एक खेती योग्य जगह रहते किसान के चाहे एक जनता के लाभान्वित रहते। हमारा नाम तेज कृष्ण काफले है दिगो निजी बंधन ने कृषि सहकारी के अध्यक्ष थे। अवैध उत्खनन गिट्टी बालू उत्खनन एगो कारण, दोसर अवैध जंगल कटानी, तेसर अवैध बसोबास, तीन टा कारण से भू समर्थन अथी क्षय भ रहा है। तैमे तीनू के लागि अवैध ई उत्खनन के कंट्रोल करे पड़ते। दोसर वन अधिकृत जो भी यही जगह छे उनका कहब कि अवैध कटा जंगल कटानी के कंट्रोल करे के छे। तेसर हम निजी वन के अपन वेस्ट गेल जगह में राष्ट्रीय वन संरक्षण के लिए चूरा संरक्षण के लिए निजी जगह में भी जंगल लगाना वृक्षारोपण करना अति जरूरी है। हम मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 7 में हमारे घर भेल सराय निजी वन संस्था उनकर हम अध्यक्ष छी। चूरे संरक्षण के संबंध में दू शब्द मात्र राख, सबसे पहले गिट्टी बालू, दोसर वन विनाश। वन विनाश अहाँके ओ जब जे है से पारिवारिक वन के काटे काटे जे है से पारिवारिक बसोबास ओ सब जे है से सुबह शाम ओकरा सबके गरीबी छै, सुबह शाम गेल उम्हर से जे है से जंगल में गेल दावड़ा काटि के लौलक अपन देश का जे है से भरण पोषण केलक। सबसे पहले ई चीज जे है से सरकार जा तकली नहीं एकर जे है से अथी करतै ता तकली जे है से चूरे संरक्षण नहीं हेतै। तकर बाद अहाँके गिट्टी बालू हम देख रहल छी जखन जे हम एली तो सैकड़ो ट्रैक्टर हमरा बरहरी से लक लालगढ़ पूरा हम देख रहल छी जे कि अहाँके रोड काटे काटे जे रोडो टूट जाए एक हिसाब से जे है से अहाँके माने ट्रैक्टर से धुआनी होइ छै। ओ सब जे है से हमरा एम्हरे अबैया ई सब जा तक संरक्षण नहीं हेतै ता तक चूरे संरक्षण नहीं आयत। हमर घर भेले जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 26 टोलहार सर, नाम हमर भेले साबिर राइन। सबसे पहले हमर चूरे संरक्षण कहबै तऽ पूर्व देखै छी तिस्ता नदी पश्चिम को टांगा तेरह हमर नेपाल के देश छलै चूरे संरक्षण छलै, मगर 2007 साल में कांग्रेसी जे एलै तऽ मधेश के जनता के जगा कऽ एहन जे वन खरानी कऽ कऽ सब पशु चूरे विनाश कऽ कऽ 2007 साल में शुरू नेपाली कांग्रेस के पूरे जनते नेपाली कांग्रेस रहे अखन अब पार्टी लोग निकली से नहीं वो जो सब पूरे रहे सब मिलकर विनाश के लिए अखन दोषी दै छै सरकार, सरकारो दोषी छै तो अपनो दोषी छियै। ओहि जगह पर जे चूरे बचाबऽ के लागि हमरो सबके चूरे भरोसे रहबे से नहीं, अपनो निजी जगह है अपनो निजी जगह में वन लगाबे पड़ले और चूरे के विनाश के कारण बिना पंछी का गिर जे छलै गिर मनुष्य के लिए बहुत कहीं प्रभावित छलै और वो गिर आयोपित भ गेलै विषादी के चलते। ओ विषादी और ओ औषधि हमरा सब चूरे संरक्षण में जो पायल गए जे अखन बहुते संघ साथी सब में है ओ सब वन के साथी है सराय निजी वन के साथी है और साथी सब है सब ओ बात जानकारी है और ओ सब हमरा सब के व्यवसाय के लिए है। जब तक ओ जड़ी बूटी ओ व्यवसाय हम सब जे अपना से उपार्जन नहीं करबे जना कम्पोस्ट मल भ गेलै आई खाधे मल जे विदेश पर रहे ओ हमरा विदेश के जरूरी नहीं छे ओ क्या ऑर्गेनिक मल कम्पोस्ट मल हम सब ओ चूरे संरक्षण से अपना जब तक उपार्जन नहीं करबे ओहि पर नेपाल सरकार ध्यान आकर्षण नहीं करते तो तकर बाद ई मधेश एक गोटा जनता कुछ नहीं पा सकते। हम लक्ष्मी यादव दिगम्बरपुर के सामाजिक परिचालक और जे चूरे विनाश के जे प्रमुख कारण के रूप में देखल जाए तो हमरा बुझाई अनुसार जब तक
बालवा गिट्टी जे निकासी बंद नहीं हो बालवा गिट्टी निकासी और दोसर में जे अवैध रूप से चोरी निकासी जे भ रहल छै और तेसर में जे स्थानीय सरकार वाला छै ओकरा सबके साझा बुझाय नहीं छै जनचेतना के अभाव छै तहु लऽ कऽ वन विनाश दिन प्रतिदिन भ रहल छै और चूरे संरक्षण के काज नहीं भ रहल छै और चूरे संरक्षण के लेल जे कहबै तऽ सरकारी दोषी छी से नहि हमरा ख्याल से हम आ उपभोक्ता सेहो दोषी छियै कैला कि जब हम अहाँ बुझि रहल छियै कि हमरा सबके बाँचे के लेल हमरा सबके भावी संतति के लेल वोट बिरुवा जरूरी छै चूरे संरक्षण जरूरी छै तो हम अहाँ संरक्षण के पक्ष में कैला नहि भिड़बै जे नेपाल सरकार के जे कर्मचारी सब जे परिचालन भेल छै उनको सबके एगो ईमानदारी पूर्वक जे कार्य छै ओहि कार्य में कार्य वहन कर दिए पड़लै और एक तरीका से चलते तो हमारा हिसाब से चूरे संरक्षण भ सकिए ये कोनो भरी बात नहीं है अगर सब गोटे मिलकर साझा बुझाई लग चलब तो हम सब चूरे संरक्षण कर सकते हैं। हमर नाम राम कुमार महतो और एक हरिहरपुर खास कर चूरे के संरक्षण के सवाल में सबसे पहले नंबर हमरा सबके ये बुझे पड़ते जे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के जे हम सब एक समुदाय थी जनता थी एकरा सब में लिंकेज अप होना जरूरी थी पहले नंबर मुद्दा जब हमरा सबके एक ही किस्म के बुझाई नहीं हेतै समन्वय नहीं हेतै तो हम सब चूरिया संरक्षण नहीं कर सकै छी। चूरे रेंज में बैठा वाला समुदाय कहै छी जे नहीं भावर क्षेत्र के लोग काटे मतलब वन विनाश कर रहा है हम सब कहै छी नहीं अहाँ सब ओहिठाम नजदीक में बैसल छी अहाँ सब बर्बाद कर रहल छी एकटा सबसे पहले ई साझा बुझाई हमरा सबके होनाई जरूरी छै। दोसर नंबर बात जे सरकार के नीति की छै अब की छै ओ तो हम सब नहीं बुझा सकल छी लेकिन सरकार जैठाम सखुआ अपने आप से आप निकल रहल छै जैठाम जनरल अपने आप निकलै छै जे बालाधार मटियार हमरा सबके नजदीकी छै घर के और बहुत नजदीकी छै ओहि जंगल कटा कऽ ओहिठाम आम रोपायल जाइ छै ई केहन नीति छै सरकार के शायद हमरा बुझे नीति भी परिवर्तन करय पड़तै कि सरकार के एहि सबके सेहो विषय में हमरा सबके एकदम सतर्क भऽ कऽ हमसब लागी। हमर नाम प्रमोद कुमार यादव घर पर चूरे विनाश के अगर जे कहल जाए तो मुख्य दोषी हम गवर्नमेंट के देख रहा छी अ लगे कि अपना सब कहे कि गिट्टी ढुवानी बलो ढुवानी बंद करू और तो गवर्नमेंट की कहे जिले में जिला विकास मार्फत अपने के टेंडर खोले और टेंडर में देखो पूरा गिट्टी बालू अपने के ढो दिए और चूरे विनाश में अपने के गवर्नमेंट से लगकर जते सरकारी स्टाफ सब है ओकरा से जे लोभ लागत इहो एगो अपने के चूरे विनाश के मेन कारण छै कि अपने ओहो के एगो लोभ में पड़ कर लालच में पड़ कर ओहो कने अथी करी है ओहो तो मतलब जे अथी कर रही कैला तो चूरे में जतेक अपने के जे गाछ वृक्ष है तो सब आदमी जन्म ही जन्म से लगा बूढ़ होई ही मरी कि गाछी सब दिन के रहे ओहो बूढ़ होई ही सुख ही ढली सुखलावा के लावा गाछी के जे वन कार्यालय में जे रहे छे तो गाछी की भ जाए ओ जे चीज सब है जे सुखल गाछी से पारदर्शित कर जो उनके जे गवर्नमेंट आई स्टाफ कर्मचारी जे पूरा पारदर्शित रूप में गांव गांव में जाए वो धीरे जाकर खा कर वो न्यूनतम शुल्क में जाकर जब जनता के अथी करो तो ऐ सब एना कैला से जे से अपने के चूरे विनाश जो कम कल जा सके जे सरकारी स्टाफ अपने के जो अपन लोग लालच फेर दे सब। हमर नाम है कुमार यादव घर कनक पट्टी हम ये कहब सब कोई मिल के चूरे संरक्षण करब आरो अथी बालू गिट्टी सब अथी करब ताहिके बाद आर चौड़ीचरण आर वन विनाश के लागि वृक्षारोपण करब यादव घर मंत्री पटे तरिया चार नंबर वार्ड महिला अधिकार मंच के जिला के कोषाध्यक्ष हम सब जे एक साल से जे चूरे तालीम हमरा सबके बराबर जीवन केंद्र में जे दै छी हमरा सबके जे सुनै छुए के बात हमरा सबके मन जे घर घर में हम सब जे ज्यादा का जे एतेक आदमी जे घर घर में जे दस आदमी जे जाओ तो सबके आरो मन हम सब जे एकटा अब छी जीवन केंद्र ने आ जंगल के बात सुनै छे तो अतेक जागरूक होइ छी हमरा सबके जे मन है जे गांव गांव में जे पंचायत पंचायत में जे जागरूक कर दो तो आदमी सब आरो जाग जे ठीक है जल जंगल जमीन के जरूरी सबके छी इहे नहीं रहते तराई के लोग तो सब गोरा मर जाते उखो रोपते लोग तो मशीन नहीं छी कत लोग बंदी भ जाए तो पुरका के उख सब से काटी ने जंगल में बनाई छे तो आदमी खेती कथी तो वही दुआरे जे हम सब कहे छी जे सब गोरा इन्हें मिलकर जे जेना होते तेना करू ई चिड़िया संरक्षण के लागी ओहिठाम के जे बसोबास छथिन हुनका सबके दुख होते थी तब जंगल कटी ऊपर में जो बैसल छथिन राज नेता सब आ तराई से ओहिठाम सब जाए छै तो ओहिठाम भाषण स्टार्ट करे छै अखन विमलेन दीदी के 12-15 बीघा के प्लॉट में चल जाओ डटी में हुनका बलुआ गिट्टी से एकदम भरल है कि हुनका बड़ दुख है उ नहीं रोक सके छथिन एहिठाम झूठे के हमरा सबके एकटा फुसलाबे छथि
जे अपने सब चुड़िया संरक्षण चुड़िया हम सब की करबे हम सब तो गांव घर के लोग छे लोग पाठशाला ले हम सब वृक्षारोपण सिखलिए अपना अपना बाड़ी झाड़ी में वृक्षारोपण के लिए अपना अपना नदी किनारे वृक्षारोपण के लिए तै द्वारा हमरा सब के खाए के आयो स्रोत मिले लेकिन वो विनय निधि के कथी के घाटी भगल छन जे 12 बीघा में गिट्टी बालू के टाट लगेने छन सब सुन सुन आ सब ये बात बुझ सुन आ हुनका सब गोटे ये हेतु कि मधेस के काम का कैला से नहीं होते हुनका सब के जे बसोबास छथिन लकड़ी काटे छथिन गिट्टी बालू धोए छथिन हुनका सब के बच्चा खाए ला मरे छोटे हुनका सब के कपड़ा नहीं पुँच होते ये कारण से गिट्टी बालू या वन कटानी होते हुनका सब के जे आरक्षण भ जाए सब खुशी भ जातीन वन कटानी हमरा हिसाब से नहीं होते हमारे हमर नाम देव नारायण मंडल हम मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के अध्यक्ष छी सबसे पहिलका कमजोरी एहिठाम चूरे विनाश होय के नीति निर्माता सब के तरफ से छै अब बात बड़का बड़का करै छी अपना सब लेकिन जे बेसिक चीज है कॉमन सेंस वाला बात सब जेना ई सब बात पहिले ही आबि गेल छै बसाई सराय अनियंत्रित रूप से भइए रहल छै अखन तक अहाँके बालुआ गिट्टी कटानी भइए रहल छै दोसर बात ई 5 वर्ष पहिलहुँ सब गोटे के मुँह से खास कर नीतीय निर्माता सबके तरफ से कि सूर्य संरक्षण कर रहा थी वही पर एते अरब बजट एते करोड़ बजट एते खरब बजट अलॉट कर पड़े 5 वर्ष बाद वह अवस्था थे हमरा बुझा यह प्रक्रिया चलित रहले आब वाला 50 वर्ष बाद ओना तो सूर्य बसबे नहीं करते तहिया तक लेकिन तहियो ये सिलसिला जारी रहते तो एक प्रोजेक्ट बनाब के बजाय हमरा बुझा मिशन के रूप में अगाड़ी बढ़ाब के आवश्यकता से आ सबसे पहले राष्ट्रपति चूरे संरक्षण विकास समिति के हमरा ख्याल से एक स्टॉक बनाबक चाहिए जो अखन के अवस्था से आ हरेक 5-5 वर्ष बाद रिव्यू करब चाहिए कि 5 वर्ष में वो अगाड़ी वोकर कुछ इम्प्रूवमेंट भेल है कि आरो वो डिक्लाइन भेल है हमरा ख्याल से वो एनालिसिस कह के अगाड़ी बढ़ला से बहुत सहयोग मिलते एक बात दोसर बात कि नीति बनाब वाला के प्रश्न हो पड़े कि वास्तव में चूरे संरक्षण कर चाहे थी या कतौ से बजट उपलब्ध भेल है उ बजट के मात्रे खर्चा शो कर चाहे थी अगर वास्तव में सूर्य के संरक्षण कर के लागि प्रश्न थी सब गोटे तो एक एक आपस में बाधा वाला नीति नहीं होबक चाहिए आ जते भी सरकार वाला निकाय थे उ सब के नीति एक दूसरा के सपोर्टिव होक चाहिए नहीं कि एकटा के नीति रोक के लागि दोसर के नीति बढ़ावा दिए के लागि सब गोटे जे चूरे के संरक्षण पर अपन अभिव्यक्ति अपन विचार जे रूप से व्यक्त के लिए हमरा बुझाए बहुत महत्वपूर्ण विचार सब है चूरे जंगल कतेक महत्वपूर्ण है चूरे जंगल के संरक्षण कोना करे के चाहिए राज्य कोना कर रहा है राज्य कतब पाछा हट रहा है और चूरे कते महत्व है ते विषय में अपने सब जे टू दी पॉइंटली बहुत वक्ता से बदली है ये ई कैला से होते बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा में की सब उठले सर हम सब तनिक चर्चा करी गिट्टी बालू के चर्चा भेल है गिट्टी बालू जै रूप से उत्खनन भ रहल है चूरे क्षेत्र में यदि वो नहीं रोकल जेते तो चूरे जंगल संरक्षण नहीं भ सकते बात उठल है जे अव्यवस्थित रूप से बसोबास भ रहल है ऊपर से अबे छथिन लोग और नीचा बढ़ जाए छथिन लकड़ी कटान के बात उठल है ये लकड़ी कटान कोना रूप से लकड़ी तो हमारा भी है जो अवस्था लकड़ी के पहले चले है वो लकड़ी की अवस्था आप नहीं है यो बात उठ ली है ये सरकार भीतर भी जो सरकारी निकाय है वो दोनों के द्वंद है अगर वन के प्रमुख जाए चूरे क्षेत्र में तो उनका जो व्यवहार हुई थी बहुत गलत व्यवहार हुई थी वन के रेंजर के वन के कर्मचारी के या वन के डेपो के जना बुझाई छी जे ओ बहुत बड़ा अपराधी डेपो चलि आयल लेकिन वही जगह पर भू संरक्षण के कर्मचारी जाए छी भू संरक्षण के हाकिम जाए छी चूंकि हम पत्रकार छी हम वन के हाकिम जोड़े वन के डेपो जोड़े सेहो चूरे के दुर्दशा देखल गेल छी और भू संरक्षण के हाकिम जोड़े सेहो हम चूरे के दुर्दशा बड़ा नजदीक से देखलिए तो भू संरक्षण के हाकिम के देखे के दृष्टिकोण ओहि क्षेत्र के वासी के कनिक अलग रहे छी मुर्गा काटि के खुआ दी छी बढ़िया से स्वागत कर दी छी और चाहत रही उनका से कहीं हम ये काम करवा ली और बन के जाए से तो प्रहार करे के कोशिश करे कि सरकार से हो द्वंद है तो हमारा इस प्रोफेशनल सरकार जो द्वंद है तो वन संरक्षण कोना है सरकार के एक नीति होबक चाहिए वन संरक्षण करे के लिए
भू संरक्षण के काम के कनिक परिवर्तन करना पड़ते कि जैसे बन के एक्शन में रिएक्शन नहीं हुए। हम सब याद दिलावे छी अपने के बहुत नजदीक से अपने सब नाम सुनने हो गए राजस्थान के माउंट आबू शांति बन के हुए। शांति बन में हम देख ली बड़ा नजदीक से जो सरकार के भूमिका वही की है एग्जैक्टली चूड़े में भूमिका निर्वाह करते वही समय में सब भ सके चलिए। शांति बन में हम देख ली टूटल फाटल घर हम पूछ लिए जी की है की छे तो जवाब दिलक जी पब्लिक के घर छे लेकिन सरकार कहलक तो जंगल में कैला छे एक जगह पर पूरा सेवा सुविधा हम उपलब्ध नहीं करेंगे वो सरकार ओकरा लगेली बाजार एरिया में और ओकरा जे से बसवास करल के ओहि व्यक्ति के घर टूटल फाटल घर ओहिठाम रखने है लेकिन ओकरा व्यवस्थित जगह पर बसवास कलके एक कारण है जो ओहिठाम छोटे पहाड़ थे शांति पर बहुत बड़का पहाड़ नहीं थे और ओहिठाम ओ सुरक्षित तो हम ही कह चाहे थे जो अगर सरकार शुरू में एक्शन लेने रहते चूरे जंगल के संरक्षण पर तो जे आई 40-50 लाख के जनसंख्या भ गए उ जनसंख्या एक विशाल जनसंख्या है। अब ओकरा जे एहन अवस्था भ रहल जे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के भिड़न के भी अवस्था भ रहल जैसे संरक्षण उ केना तो ते हिसाब से अहाँ के प्रकृति के अहाँ के हम तो 4-5 टा चीज के बात करी जल जमीन जंगल और पहाड़ ये अनमोल चीज है मनुष्य के लिए अनमोल उपहार थे लेकिन सबसे विवेकशील प्राणी जो है मनुष्य मनुष्य के दोहन करे मनुष्य के देखियो नाश करे ये सबसे विवेकशील प्राणी और कोनो प्राणी जंगल के संरक्षण करे केवल मनुष्य के हाथ छोड़ दिए फिर जे जतेक बुधियार है उतने प्रकार के दोहन करे ते हिसाब से हमरा सबके अई के संरक्षण के लिए कौन हिसाब से आगू बढ़े के चाहिए था हमरा सबके बीच में था बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जे अही ठमन के माइट पॉइंट से खेलने से और उनकर जे एकटा व्यू है एकटा उनकर जे आइडिया है तो हमरा भी है हम सब अगर दिमाग के बात करी तो मनुष्य के दिमाग अहाँ के 3 रंग के होइ छे एकटा होइ छे अहाँ के स्मॉल माइंड बहुत छोटा दिमाग एकटा होइ छे एवरेज माइंड एकटा औसत दिमाग ऐसा उनकी ब्रोड माइंड जिसका कोनो आइडिया के जन्म दी है तो स्मॉल माइंड की भेल जो वो चाय दुकान पर बैठल रहल आ एक कोनो व्यक्ति से अनावश्यक रूप से झगड़ा कलक डिस्कशन कलक और कहे कि छोटा दिमाग मैंने जनता जनता बीच झगड़ा करना बिना काम के डिस्कशन करना और कहे कि छोटा दिमाग एक संख्या बहुत बेसी है चाय दुकान पर देखे अनावश्यक बातचीत करना और एक एवरेज माइंड औसत दिमाग जो कहे वो की होइए एक विषय पर बात करना जना हम सब अखन बात कर रहे एक विषय पर सिर्फ हमर से एक विषय है और एक हो यहाँ के ब्रोड माइंड केहन होइए एक विशाल आइडिया जे आइडिया से सब गोटे लाभान्वित भ सकते तो अपन सबके जे औसत जे बात के लिए ये औसत नहीं है एक आइडिया रूप में एक ब्रोड माइंड के रूप में एक हमरा सबके बुझ पड़त कारण वो लाइफ लाइन छे वो जीवन रेखा छे नेपाल के तही ब्रोड माइंड के व्यक्तित्व छे राष्ट्रपति तराई मधेश संरक्षण समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी हम आमंत्रण करना चाहेंगे वीरेंद्र यादव जी के मंच पर चूरे संरक्षण के लेल राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण समिति की कर रहा है सबसे पहले सब गोटा के नमस्कार चक्रव्यूह कार्यक्रम में बहुत रास बात आयल तैमे चिंतन से हो चिंता से हो प्रेम से हो आक्रोश से हो सबके पाछा चूरे सुरक्षित होइक चाही आबो वाला दिन में चूरे के संरक्षण संवर्धन होइक चाही हम तै रूप में लेने छी वन मात्र नहीं चूरे विज्ञान से हो थे अपने के चूरे के संरक्षण के लिए की कर राष्ट्रपति चूरे संरक्षण समिति इस समिति के रूप में 1971 साल अषाढ़ दुगते स्थापित भेले ओहिसँ पहिने समिति के स्टेटस नहीं छलै ओहिसँ पहिने एकटा बहुत छोट इकाई के रूप में काम करै छलै जखन समिति के रूप में अलैया
हमर कार्यकाल एक महीना कुछ दिन भेला, दोसर अध्यक्ष के रूप में हम काम कर रहल छी। लेकिन सौभाग्य की छै, कुछ दिन पहले हम सब मास्टर प्लान डिलीवर कैली, तै मास्टर प्लान में बहुत इश्यू सब अयलै यऽ। चूरे विकास के लेल नीति नै छै, अल्पकालीन नीति नै छै, मध्यमकालीन नीति नै छै, दीर्घकालीन नीति नै छै, ओ सूचना नै भेला के कारण से ई बात सब अपने के बुझाइल। हम सब जखन मास्टर प्लान डेवलप कैली, नेपाल के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता सब, नेचुरल रिसोर्स के ज्ञाता, वाटरशेड मैनेजमेंट के ज्ञाता, फॉरेस्ट्री के बहुत बेसी नमहर ज्ञानी व्यक्तित्व सब, करीब 16 आदमी के कंसोर्टियम छै, जाहिमे लोक सेवा से छनायल काफी क्वालिफाइड लोक सब, डॉक्टर विनोद भट्ट के नेतृत्व में कमिटी गठन भेल छै। ओ करीब करीब अंतिम चरण में छै, ओ कागजात आबे के लेल। हम सब आगा बात कैली, कुछ सभासद सब के बजैली, कुछ एक्सपर्ट सब के बजैली फीडबैक के लेल, आ ओ फीडबैक लऽ कऽ, ओ पृष्ठपोषण लऽ कऽ हम सब फेर ओहिमे काम कर रहल छी। आ तेकर बाद हम सब मंत्री परिषद से निर्णय कऽ के आगे बढ़बे के बात कर रहल छी। हम कह ई चाहलहुँ हँ, ओहिमे अल्पकालीन नीति छै, मध्यकालीन नीति छै, दीर्घकालीन नीति छै। 5 वर्ष में हमरा सबके की करे के छै, 10 वर्ष में की करे के छै, आ 20 वर्ष तक की करे के छै, तऽ 20 वर्ष के नीति बनेलिए। आ ओहि तहत ओ नीति हमरा सबके गाइड करते आगा। ताहिमे अखन हम सब 5 वर्ष में 64 नदी प्रणाली में बात करब, काम करब, जमा 164 नदी प्रणाली हमरा सबके जानकारी में आयल। लेकिन मतलब ई नहीं किया बस 164 भऽ गेलै तऽ भऽ गेलै, कहियो नदी प्रणाली कम भऽ जाइ छै, कहियो बढ़ि जाइ छै, तऽ जेना जेना बढ़ते घटते हमरो सबके जानकारी में जेना आयत, तऽ तेना हम सब काम आगा बढ़ेबै। आ ओ एक्सपर्ट सब अपने सबके कहऽ चाहब, बहुत नीक ढंग से सब जिला में आउट अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, सब स्ट्रीम में जाकर जनता से, किसान से, की कहै छै, ऊपर रह वाला लोग से, नीचा रह वाला लोग से, सब से बात कैने छथिन। आ चूरे केहन होय के चाही तै के परिकल्पना कैल गेल छै, ताहि अनुसार हम सब काम करै छी। चूरे के परिभाषा ई मास्टर प्लान में केहन है, चूरे केहन होबे के चाही? चूरे के अपन परिभाषा व्यक्ति परिभाषित करते तहू से बेसी ओकरा विज्ञान परिभाषा कैले छै। चूरे कोन छै तऽ किनको चूरे बुझायत हमरे गाँव तक, किनको बुझायत दोसर गाँव तक, तऽ किनको मन में कोनो आग्रह आ पूर्वाग्रह रखला से विज्ञान से बात नहीं माने छै। विज्ञान ओकरा ऑलरेडी डिफाइन कैने छै, परिभाषित कैने छै। तऽ जेना झापा में चूरे बेसी एरिया चूरे लऽ लेल के, ताहि दुआरे गिट्टी ढूंगा बालुआ नहीं निकालला भेल, से कुछ नेतो सबके क्लेम अलै, कोन पार्टी के रहै से बात छोड़ दिए, हम तो अखन न्यूट्रैलिटी मेंटेन करय वाला लोग छी, चूंकि हम जिम्मेवारी में छी। हम एकटा पार्टी से गेलो के नाता से ओहू से बेसी हम एकटा डेवलपमेंट वर्कर छी अखन, आ तै किसिम से इनविजनिंग कर रहल छी। तऽ हुनका सबके कंसर्न की छलै, चूरे एरिया हमरा गाँव तरफ बेसी चलि आयल, ताहि दुआरे ये सब गिट्टी नहीं निकाल सको, हुनका चिंता छलै। तऽ चिंता के निवारण की तऽ विज्ञान, सब चीज के निवारण विज्ञान। तऽ विज्ञान की कहै छै, ओहि माटी के फ्रेजिलिटी कते छै, ओकर बनोट की छै, ओकर भू बनोट की छै, ओहि भू बनोट पर रहल की कहै छै गाछ वृक्ष के कोन स्पेसीज सब छै, से डिफाइन करै छै चूरे के, से डिफाइन करै छै महाभारत के, से डिफाइन करै छै हिमालय के, से डिफाइन करै छै पहाड़ के। जेना चूरे संरक्षण के बात सब जे उठलै जे गिट्टी बालू के नियंत्रण या अव्यवस्थित रूप से वास होइ छै सेहो नियंत्रण, कटान रुकय के चाही, ई बात सब जे उठलै एकर लेल की करल जाय? ई व्यक्तिगत हमरो कंसर्न अछि, चूंकि देश के हम नागरिक सेहो छी, आ बहुत बेसी कंसर्न एहि दुआरे कि हम समिति के अध्यक्ष सेहो छी। तऽ लेकिन यह बुझाई के सेहो एक रूपता नहीं भेला से बहुत समस्या सब छै। जेना जीवन कार्यक्रम काम कल के, तो बहुत पहले 2005 में सह व्यवस्थापन कोनो वाटरशेड मैनेजमेंट में होय चाही, जलाधार के व्यवस्थापन में होय चाही, से बात सिर्फ चूरे कार्यक्रम की कहै छै जीवन कार्यक्रम कयने रहे। तेकर बाद उ सह व्यवस्थापन के कॉन्सेप्टो हेरा गेलै तो सब, लेकिन हम चाहै छी कम से कम चूरे व्यवस्थापन में उ सह व्यवस्थापन लागू होय चाही। सह व्यवस्थापन की कहि रहल छै, अप स्ट्रीम के लोक सब, डाउन स्ट्रीम के लोक सब, मिड स्ट्रीम के लोक सब बैठ कऽ ओ बात करे, समस्या की छै, ओकर समाधान की छै, कॉज की छै, इफेक्ट की छै। बिना कॉज पता लगेने इफेक्ट नहि, अथी इफेक्ट के ट्रीटमेंट नहि कर सकै छी। राज्य के लेल सक्रिय बुझाय जे बात करे के लेल, राज्य तो स्वयं द्वंद में छै, संरक्षण में राज्य चर्चा करै छी, भू संरक्षण के बन के दुनू के जे अवस्था छै, कुछ कंट्राडिक्शन सब अबैत रहै छै, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पेक्ट सब बुझाइत रहै छै, लेकिन तहू से बढ़ के हम ऊपर सब काम करय चाहै छी।
हम की कह चाहे जना बहुत लोग के बात अल गिट्टी बालुआ नहीं निकल चाहिए लेकिन किनको बुझाए तो सब निकल जाए चाहे नहीं। दोसर बात अपने की जब चिपको मूवमेंट के अगर बात करी तो चिपको मूवमेंट में सेना मार्ग बनाबे की कोशिश कल के 1974 के बाद से जी हमरा बुझल मेघा पाठ करके यहाँ बात करे हैं गौरा देवी जी हम अपने के जे कंसर्न तक हम कनी साइंटिफिकली हम जवाब दे रहे पहले हमरा कहा जाती अपने कहा जाती तो वही हम के चिपको मूवमेंट के बात करी तो सब महिला सब एक आंदोलन मूवमेंट कल के और वो रोकल के जंगल के संरक्षण के लिए लेकिन अठमन अपने के सेना के जैसे एयरफील्ड बन जाए छे और एक विरोध तक नहीं चूरे समिति करे छे आ नहीं अपने के बंद करे छे केवरो आंच नहीं होई छे और सेना के जैसे एयरफील्ड बन जाए छे चूरे में तो कुछ जनतों के तरफ से तो हमरो बल प्रदान होत में जनतों के तरफ से तो कहाँ जिंदाबाद मुद्दा है बेसी जिम्मेवार निकाय छे जिनका तो विरोध करे के चाहिए एकदम है हम सब कोन हिसाब से बात आगे बढ़े छे क्यों कहे छथिन गिट्टी बालुआ नहीं निकल चाहिए आ क्यों कहे छथिन पूरा निकल जाए चाहिए दूटा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है दोनों गलत दोनों ए दुआरे गलत है अहाँ के बढ़िया से बुझल होक चाहिए विद्वत वर्ग सब छथिन इरोजन चूरे में दू किस्म के एक नेचुरल से जे क्यों नहीं रोक सके छी प्लेट के शिफ्टिंग के चलते जे भ रहल से ऑलरेडी होबे करते आ दोसर ह्यूमन मेड है ह्यूमन मेड जे इरोजन है तेकरा हम सब इमीडिएट चेक करी माइग्रेशन तुरंत चेक करी हम सब ते पक्ष में छी उ लीगल होए इलीगल होए माइग्रेशन कहियो लीगल होए छी कहू माइग्रेशन सब दिन इलीगल होए छी जे अपने के ऑब्वियसली जैसे बास अपने के स्टॉप से ओकरा नियंत्रण करना है लेकिन सवाल कतै छी जे एकटा सुई जे भोंके छी तऽ शरीर अपने के जाग जाइ छी लेकिन एहिमन पीठ पर छुरा मारि देल कि चूरे में अपने के जे है से सड़क बनै छी डोजर से एकटा विरोध नहीं होइ छी होइ छै चूरे में अपने के एयरफील्ड बनै छी नीतिगत बात करियै सरकारी तरफ से विरोध होबाक चाही जे सरकारी निकाय छी तकर विरोध होबाक हमर बात अखनो पूरा नहि भेल तऽ हम सब विज्ञान की कहि रहल छै भूस्खलन तऽ ऑलरेडी छै अहाँ जइयो नहि जइयो अहाँ डोजर लग तैप देबे अथी बालू गिट्टी के ने तो यो जो प्लेट छै ने धक्का मार के ओ लेबे करत कुछ हद तक लेकिन अखन जे भ रहल छै तैसँ कम होतै तऽ साइंस की कहि रहल छै एकदम हटनाइयो रोकनाइयो नहि होइक चाही आ पूरा पूरा निकलनाइयो नहि होइक चाही मध्यमार्गी के स्थिति छै नेचुरल वे से जते माइग्र की कहै छै भू छै होइ छै ओ नहि निकलबै तऽ सिल्टेशन भऽ कऽ सी रिवर बेड समुदाय के खेत से चाहे समुदाय के गांव से ऊपर भ जेतै लेकिन बिना इंजीनियर के कंसाइन के जेसीबी के जे ड्राइवर होइ छै ओ इंजीनियर बन जाइ छै ओ रोड बना दै छै बहुत जिला विकास के बजट से बहुत गलत भ रहल छै बहुत गलत भ रहल छै तै दुआरे हमरा सब के ई टीम से लेला के बाद हमरा नेतृत्व में टीम आयला के बाद हम सब दूटा चीज कहलियै एकटा साइंटिफिक स्टडी होइक चाही कोन नदी में कोन लेवल के सिल्टेशन छै तऽ स्टडी में दू बरस लगतै एक बरस लगतै ताले एको बेर उठी नहीं चाहिए सेहो बात नहीं भेलै तऽ विवेक पूर्ण ढंग से इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट प्रयोग कऽ कऽ अपन बुद्धिमत्ता प्रयोग कऽ कऽ कते निकालला से भूस्खलन ठीक रहतै हमरा सबके नदी प्रणाली ठीक होतै तत निकालू आ स्टडी चलि अयला के बाद सबके गार्जियन साइंटिफिक स्टडी तऽ ओ चलि अयला के बाद जे गाइड करतै ते हिसाब से निकलतै लेकिन भ की रहल छै ई जिम्मेवारी हमरा सबके नहि छै दरअसल ई जिम्मेवारी जिला विकास के छै जिला विकास एकरा रिसोर्स से बेसी रेवेन्यू बुझि लेने छै आ तै हिसाब से प्रयोग होइ छै जे बहुत गलत छै हम सब ऐसा किसान छी बहुत लोग के ट्रैक्टर होइत बहुत लोग के डोजर होइत बहुत लोग के डम्फर होइत कि हम सब जखन जाइ छी बालू निकालऽ जखन गिट्टी निकालऽ तखन अखन जे नम्हर नम्हर बात करै छी तेहने बात तेहन विचार हो रहै है कि नहि से हमर प्रश्न है अहाँ सब तऽ की खाली एकेटा जिम्मेवार छै कि दुनू के तऽ ई समस्या छै विवेक के प्रयोग हटि हरदम होइक चाही अहाँ कहलिए एकटा हम ठीक छै कतौ कतौ राष्ट्रीयता हम कहलिए ने स्वाभिमान से जुड़ल चीज छै एकटा भ्रम की हटा लिए सूर्य यदि नहि छै ई देश मे तऽ महाभारत श्रृंखला नहि रहतै महाभारत नहि छै तऽ ई देश के परिकल्पना दिमाग से नहि ई एटलस से बाहर रहतै चूरे के जे दुर्दशा छै तऽ चूरे के दुर्दशा के रोकै के लेल राज्य के की करै के चाही और जे चूरे क्षेत्र में रह रहल छथिन से सब सरकार वाला निकाय करा की करै के चाही सबसे पहिने तो हम सब कहने छली 12.78 जे चूरे के मूल कंजर्वेशन के एरिया छै जतऽ फ्रेजाइल माटी छै जतऽ हिल छै ओ ऑलरेडी कंजर्व रह चाही ओतऽ बहुत खेल मेल नहीं होइ चाही ओतऽ जते ओ साइंस जे कहि रहल छै जे चूरे अहाँके कहि रहल है ओ बाजि रहल है कुछ
अहाँ चूरे के एकटा पत्थर निकालि कऽ आँगन मे धलिए एकटा महाभारत एरिया के, तो एकटा एक बरस मे गलि जायत पानि सँ चाहे धूप सँ चाहे अथी शीत सँ, तऽ दोसर 50 बरस मे गलै छै। चूरे के जे माटी बड़का अहाँ के ढेपा रहत ने पत्थर, ओ 2 बरस मे गलि कऽ खतम भऽ जायत। वहाँ के कुछो कहि रहल, ओ कहि कथी रहल अइ, हम पहाड़ तऽ तोसब देखै छै हमरा, लेकिन हम बौआ पहाड़ छी, हमर उमेर नहि पुंगल है, हमर जवानी नहि आयल है, हमरा संरक्षण के आवश्यकता है, हमरा संवर्धन के आवश्यकता है, हमरा फीड करतो, हम तोरो फीड करबो। लेकिन राज्य चीज के नहीं बुझै छै, जते बुझै राज्य नहीं बुझै छै, हम सब नहीं बुझै छी राज्य के। राज्य तो ततेक लेट से बुझल किए कनी मनी, हमहु सब नहीं बुझै छी। ओ तो स्वाभाविक छै, राज्य के जिम्मेवार होइ छै ने, सब के बुझनाइ जरूरी छै। हम तो कहै छी डेमोक्रेसी में, रिपब्लिक सिस्टम में राज्य से पहले जनता जिम्मेवार है। तो सर मैं अपने के जे राज्य जे चूरे संरक्षण के हमसे बात करी, तो चूरे के दूटा बात अपने के बेसी अबै छै, एकटा कहै छी मानव रहित और कोई कहै छी मानव सहित, अपने के विचार में की होबे के चाही? ई व्यक्ति के विचार से बेसी नेशनल टॉक के विषय छै, हमर कुछो विचार भ सकै यै, लेकिन एकटा अध्यक्ष के हिसाब से एकर जवाब हमहु राज्य से मांग रहल छी, संपूर्ण जनता से मांग रहल छी, आ की बेटर होते। जना अपने एक महीना में जो अनुभव के लिए केना केना बुझाइए अपने के हिसाब से? स्पष्ट हम कह दिए, जै किसिम के माइग्रेशन छै विद इन नो टाइम इट शुड बी चेक्ड, बिना सेकेंड लेट कहने माइग्रेशन चेक होइ चाहिए। मतलब जै रूप से रफ्तार बढ़ रहल अपने के चूरे में बसोबास के, और अपने सब के एक तरफ जे संरक्षण के बात उठ रहल है, जना जना बुझाइ छै जे बोखार लागल तो सीतामोल खाली अवस्था तो सह छै नहीं, लेकिन रफ्तार बेसी छै अपने के बसोबास के। सब लोग के बुझनाइ जरूरी छै, राज्य के बुझनाइ जरूरी छै, जो लोग अबै छै तकरो बुझनाइ जरूरी छै। केना बुझौ के एकरा आब क्यों नहीं बुझेतै, समय सबको सब लोग के बुझा दे। बहुत लेट भौती तो लेटो में एकटा रिजल्ट अबै छै, लेकिन हम चाहै छी जल्दी से सब गोटा बुझै। सर्टेन पार्ट के अगर आरक्षित घोषणा कर देल जाए तो की भ सकै छै? सर्टेन पार्ट के बहुत नीक होइतै, आब कते संभव छै, नीक होइतै लेकिन कते संभव छै? माने मानव रहित अगर पूर्णतः नहीं बनेबै तो सर्टेन पार्ट के आरक्षित तरह घोषणा कर देल जाए। जना हमरा सब के काल्हि खंड मंत्री संगे रही, आर्मी के चीफ संगे रही, विकास समिति के सदस्य संगे रही, नड़ीवन चंद्रनगर में जत ताल छले पहले से डिग्रेड सर लाही में डिग्रेड जी, नढ़ी मैन नढ़ीमन भ गेल है, बीरेंद्र जी के गाम से डीएफओ साहब के, तो मैन छले तो ओकरा राष्ट्रपति चूरे तराई मधे समिति ओकरा ताल बना दल के। हम चाहै छी तराई में बहुत जल्दी हजारों ताल बने, जे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तराई के बढ़े। रहित बनाव में की समस्या भ सके देव जी? ए ताल वाला बात करै छी कि चूरे के? चूरे वाला बात, चूरे के बात करै छी। अगर मानव रहित में की समस्या? समस्या कुछ होने छै, एत दूटा समुदाय के बीच में एकटा बिग कॉन्फ्लिक्ट के हम स्थिति देख रहल छी। माइग्रेशन तुरंत चेक नहीं हेतै, तेकर बावजूद हम भविष्य में ई बात हम देख रहल छी जे हमर थर्ड सेंस कहि रहल है, हटाबे तुरते तहु में देख रहा। राज्य के सपोर्ट कते मिले स्टेट के, सरकार के? सरकार के ई बात सब कहनाई कनी दिक्कत छै, तो ये बहुत बजट त नहीं दैये, 37 जिला में चूरे पड़ल है जी, और चूरे नेपाल के लाइफ लाइन छै। 36 जिला में 36 भ गेलै, 3 जिला और बढ़ गया, लेकिन अपने के जे बजट के विनियोजन देखी वहां के तो बहुत लेट से ही 2 अरब रुपया ऐसे बहुत कम से विद इन 5 इयर्स हम सब 64 में करब, तो लोग बुझा ये सब तो करप्शन तो नहीं करे की करे, लेकिन साँचे एते बढ़िया चूरे संरक्षण से बढ़िया काज अखन दोसर कोनो प्रोजेक्ट में भेल छै। चूरे जंगल संरक्षण हेते जे रूप से अपने के समिति कर रहल है और सरकार के बैकअप से संभव बुझाइए? जल्दी भ जेतै कि कनी समय लगतै? समय एहि दुआरे लगतै, बहुत जल्दी एहि दुआरे नहि भ सकै से बुझाइए, चूँकि ई समिति गठन होय में कुछ लेट भेलै, संपूर्ण ई प्रोसेसे वाला हम बात कर रहल छी, हम ही एलिए अध्यक्ष तहिए सने कि चूरे के संरक्षण संवर्धन के बात बहुत पहले से होबक चाही, डिग्रेडेशन बहुत पहले से शुरू भऽ गेलै। चूरे से जे अपने के विनाश से जे क्षति होइ छै अपने के डाउन स्ट्रीम में, तिनका सब के कोनो व्यवस्थापन के व्यवस्था छै सुविधा के? सुविधा के सरकार से बेसी हम तो मंत्री नहीं छी, हम तो समिति अध्यक्ष छी, ते दुआरे तराई में बेसी से बेसी वो एकटा मुद्दा रहती समिति के, अपने के समिति के मुद्दा रहते नहीं, हम सब ड्रीम कर रहल छी, बात कर रहल छी, प्लान कर रहल छी जी, हम एहि पर प्लान कर रहल छी। बर्दू ताल 164 बीघा के छै, जेकर अस्तित्व नहि छै, ओहिसँ देख हम सब देख कैली, हम सब तखने सहमति दऽ देली काज करऽ के, टेक्निकलिटी छै, आब टेक्निकलिटी हम सब आर्मी द्वारा काम करबै छी। अपने कार्यक्रम चक्र में हमर टीम एक्सपर्ट है, हमर टीम क्वालिफाइड है, आ एकटा आरो बात कहि दै छी, कार्यक्रम चक्र भी होयत, एहिमे नहि अभिमन्यु छै, नहि अर्जुन छै, एहिमे सब जनता छै,
ताहि दुआरे चूरे संरक्षित हेतै। चलू बहुत बहुत धन्यवाद। जे विषय पर हम सब बहुत सफल के लिए जे मुद्दा से बैठे उठले है कि नेपाल के जीवन रेखा चूरे जंगल चूरिया जंगल या चूरे वन के संरक्षण केना करे के चाहिए, चूरे के विनाश कौन तरीका से भ रहा है, चूरे के गिट्टी बालू जे निकासी भ रहा है ओकरा नियंत्रण करना जरूरी है कि नहीं है, या कते हद तक हम सब करी, और अव्यवस्थित रूप से जो बसोबास है अवैध रूप से ओहिठमन बैठ रहा है चूरे में तेरा नियंत्रण कोना करी। जे राष्ट्रपति चूरे तराई मधे संरक्षण समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी कहलखिन जे ओहिठमन माइग्रेशन चेक करना जरूरी है, जे बाहर से जे आदमी आये कत से आये ओकरा पुनः वही जगह पठाई जाए। और दोसर बात जेकर आरक्षित क्षेत्र घोषणा करी कि नहीं करी सर्टेन क्षेत्र के एक निश्चित क्षेत्र के वो एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात कल जो मजबूरी में हमरा सबके सेना के जिम्मा लगाव पड़े, जत सेना के जिम्मा लग जाए तो उनसे हम जंगल के बात करी नजीके में सेना के अंडर में से जंगली जीव आप देखा के मौका उठन भेटे। लेकिन बहुत एहन जगह भूमसा धाम जंगल के हम तो बात करी वो जंगल में अपने के जैसे नील गाय लेकिन उठ फिर सेना नहीं थी, लोग के बुझेल के शंकर नारायण झा जी या ओहिठाम देवनारायण मंडल जी या जगदीश जी ओहिठाम जो महत्वपूर्ण व्यक्ति सब छथिन धोमसा धाम के वो सब एक भूमिका रचलखिन और धोमसा धाम जंगल जत चरी चराव छे लोग चरवे छे मालजाल वो एन आप देखे नहीं चर तो अपना सबके बड़ा गंभीरतापूर्वक सोचे पड़त। और एक बात पर अध्यक्ष जी बेर बेर जोर दिलखिन ग राष्ट्रपति चूरे संगठन समिति के जे हमर सबके अपन कमी कमजोरी की है सर, हमर सबके अपन कमी कमजोरी की है, नहीं कोई अभिमन्यु है और नहीं कोई अर्जुन है, तो हमरा सबके अपन कमी कमजोरी स्वयं के सेहो खोज पड़ा। देख रहा जी जतेक बुधियार है उतने हिसाब से देश के और प्रकृति साधन स्रोत के दोहन करे और समाज हमर सबके एहन संरचना है जे खीरा चोर हो पिटते पिटते मारि दी छी, एक खीरा चोरा लै छी तऽ गाँव घर में सजमनि तोड़ लै छै तो ओहि चोर के जे पिटते पिटते एहन अवस्था कर दै छै अदम बाबू आ बड़का चोर बना दै छै, लेकिन जे हीरा चोर होइ छै ओकरा हम सब स्टेज पर बड़का बड़का माला लगबै छी, ओ आयल तागाड़ी पछाड़ी हम तो जुलूस लगेली जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमर इंडिकेशन बुझि गेलो होइ जे हमर टारगेट कतऽ अछि, हमरा सबके सोचे पड़त स्वयं के जे हमसब कतत चुके छी, जिंदाबाद मुर्दाबाद में हमसब कतत चुके छी, अहाँ के जहिया अपना सब अपन शक्ति नहीं बुझल तो राज्य हम शुरू में कहने छलिए कि राज्य निर्जीव होइ छै राज्य सजीव नहीं होइ छै, स्टेट जे होइ छै फुल्ली अपने के निर्जीव होइ छै, वहाँ के अगाड़ी में 56 व्यंजन परसि देत आ कहत लिए अपने मिथिला के भोजन करू ई ग्रहण कयल जाओ करा दी। ताहि दुआरे स्वयं के संरक्षण के लिए सबके पूरा बुद्धिमता पूर्वक चूरे जंगल संरक्षण के जीवन रेखा है एक संरक्षण में हमरा सबके नीतिगत रूप से सैद्धांतिक रूप से ये पूरा जो है भिड़ पड़त तब मात्र भ सकिए, हमरा सबके भिड़ंत के अवस्था कदापि क्लियर नहीं करूँ, जत भिड़ंत के स्थिति आए वो तो अपने के एकटा परिणित होत महाभारत, तो हमरा सबके भिड़न सब यदि अवस्था बुद्धिमत्ता पूर्वक कि चूड़े संरक्षण कर के चूड़े के प्रभाव से नीचा क्षेत्र में डाउन स्ट्रीम में क्षति मिले उस क्षति के बाद से अपने के जिक्र कर दिए, उस क्षति राज्य के देना आवश्यक नहीं है, बहुते जमीन जो उपजाऊ जमीन है अपने के रेगिस्तान भ रहा है तीव्र गति से भ रहा है, तो इस सारा विषय पर हम सब अखन जो है सफल के लिए चूड़े एतेक लेट के बाद सरकार तो बुझबे कलक नेपाल सरकार जे चूड़े के आज समिति बनाब पड़ते, अहाँ सबके याद दिलबे कि भारत में 1894 में ही बॉनियन बन गए 1894 आ सिपकॉप मूवमेंट 1974 में बन गए, आ नेपाल के बॉनियन के बात करूँ तो कते हम सब पाछा छे आ वो बनला के बाद उन्हें हम सब लागू नहीं करी थी, लेकिन हम कहबे जे एन अछि ओहि एन के लागू करूँ अपने चाहे अहाँ के सरुआ केला ने बजाय डेपो साहब के, लेकिन जे एन अछि वन में
ओकर अहाँ प्रयत्न करू। अगर वन के बिना स्वीकृति के चूरे जंगल में सेना के एयरफील्ड बने छे, एयरपोर्ट बने छे, ओकरा अहाँ विरोध करू, और ओकर विरोध करे के दायित्व राष्ट्रपति चूरे संरक्षण समिति के सेहो अछि। आइ तऽ पहिलका अध्यक्ष जे छलखिन रामेश्वर खनाल, तिनका सन प्रश्न नहीं कयने जे अखन जे वन मंत्रालय जे कहलकै जे भूकंप पीड़ित सबके मंगनी में लकड़ी देल जाए, खुला कर देल जाए, जो रुकुआ छलै जो रोका कैल गेल छलै नीतिगत हिसाब से, लेकिन ओकरा जे ओपन कैलखिन तऽ हम कहलियै अपने के जे विरोध करे के चाही, अपने राष्ट्रपति चूरे संरक्षण समिति के अध्यक्ष छी। एक चाहे इंजेक्शन अगर गाछ में भोकै छै कोई, गाछ के कटै छै, अहाँ के रोके के चाही। चूड़े में थोड़ा सा भी कोई अपने के प्रहार करे छै तो राष्ट्रपति चूरे संरक्षण के अध्यक्ष जी के दायित्व, कारण वो समिति स्पेशली चूड़े एरिया में बनल, और जे विधान बनल होते वही विधान में भी अधिकार अहाँ के देने होते। तय हमारा बुझा है अपना सब सौभाग्यशाली की बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जनकपुर के अहिठमन के माइक पानि के अपने के बनल, अपन अपन अधिकार के प्रयोग हमरा सबके करे पड़त। और जत कन्फ्लिक्ट है भू संरक्षण और वन में, ओकरो कन्फ्लिक्ट के दूरी घटाव पड़ते, वह यदि नहीं घटते तो वह अवस्था होते। तो अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद है जे अपने सब कार्यक्रम चक्रव्यूह में सहभागी भेली ई आठम एपिसोड में, और हमर सबके मिशन है कि चक्रव्यूह के जे ग्रीन सिटी केना हेतै, हरा भरा केना हेतै, जेना जंगल केना बचतै, गाछ वृक्ष ज्यादा से ज्यादा केना रोपाई होते, वो केना संरक्षण होते, ये हमर सबके मिशन है। आप करीब पुनः 9 एपिसोड में से हम सब हरियाली के बात करब, वृक्षारोपण के बात करब, लेकिन वही में हम सब ग्रीन सिटी के बात करब, जनकपुर धाम जे वो ग्रीन सिटी केना बनते, वो 9 एपिसोड में बात करब। और ये एपिसोड ग्रीन के शुरुआत हम चूरे संसदीय द्वारे के लिए, चूरे ने तो नेपाल कटोरा लगा घूम पड़ा, मात्र मधेश में रह वाला के मधेशी के लिए ओहू पार के हमर सबके जो अवस्था है तय हम सब वही अवस्था में नहीं जाए, चूड़े के संरक्षण हम सब ईमानदारी पूर्वक करी, भिड़ंत के अवस्था नहीं करके पूरा बुद्धिमता पूर्वक, कारण अस्था वक्र की भूमि है, जब तक बच्चा पेटे में बुधियार हो, लेकिन हम सब भूसकोड़ कतब आए थी, हमारा सबके ठेक कतल लिये लोग, एक बार कम से कम सोचू। पुनः अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद के साथ चक्रव्यूह कार्यक्रम के 8वें एपिसोड के समापन करे थी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।